नमस्कार, मैं कंचन भारद्वाज स्वागत करती हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीवन कोश में, जहां होती है आपकी और हमारी सेहत की बात। दोस्तों, हमारे शरीर को कई पोषक तत्व चाहिए होते हैं जो हमारे शरीर के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होते हैं। किसी भी एक न्यूट्रिएंट यानी कि पोषक तत्व की कमी होती है तो हमारा शरीर संकेत देकर बताता है कि अब शरीर को इस न्यूट्रिएंट या विटामिन या मिनरल की जरूरत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे विटामिन B12 की कमी के बारे में। जी हाँ, विटामिन B12 की कमी तब होती है जब आपके शरीर को पर्याप्त विटामिन B12 नहीं मिल पाता। इसकी वजह से शरीर सही तरीके से काम भी नहीं कर पाता। विटामिन B12 की कमी को पहचानना आसान नहीं है, हालांकि एनीमिया इसका एक बड़ा साइड इफेक्ट है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी इसका अनुभव करें। इसके अलावा भी कई संकेत हैं जिससे विटामिन B12 की कमी का पता चल सकता है। दोस्तों, लेकिन जरूरी है कि शरीर में हो रहे बदलावों को नजरअंदाज ना करें और डॉक्टर से सलाह करें ताकि इलाज में देर ना हो पाए और गंभीर समस्या से आप बच सकें। एक्सपर्ट्स की माने तो बालों से जुड़े दो ऐसे संकेत हैं जो सबसे पहले दिखने शुरू होते हैं। विटामिन B12 रेड ब्लड सेल्स को बनाने में मदद करता है, जो आपके बालों के रोम यानी कि फॉलिकल तक ऑक्सीजन ले जाता है। जब विटामिन B12 का स्तर कम होने लगता है तो हो सकता है कि आपके हेयर फॉलिकल्स नए बालों को विकसित करने में सक्षम ना हो, यानी कि हेयर फॉलिकल्स नए बाल ना बना सकें, जिसकी वजह से बाल गिरने लगते हैं। विटामिन B12 की वजह से एनीमिया भी हो सकता है, जो आयरन की कमी, बालों के गिरने और बालों के कम होने से जुड़ा है। यानी कि अगर आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करें तो दोस्तों, आपको विटामिन B12 की अगर शरीर में कमी होगी तो हेयर फॉल की समस्या हो सकती है और नए बाल ना उगने की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, अब आप यहां सोच रहे होंगे कि विटामिन B12 की कमी को हम कैसे पूरा करें। विटामिन B12 से भरपूर फूड्स का सेवन आपको इस कमी से बचाने के साथ इस कमी का इलाज भी करता है। अगर कमी ज्यादा हो गई है तो डॉक्टर आपको सप्लीमेंट्स या इंजेक्शन की सलाह देंगे। वैसे विटामिन B12 आमतौर पर नॉनवेज फूड्स में ज्यादा मिलता है, जैसे मछली में, मटन में, चिकन में, एग में, इन सब में विटामिन B12 अच्छी खासी मात्रा में मौजूद होता है। दोस्तों, अगर वेजिटेरियंस की बात करें तो दूध, दही, डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे पनीर, इन सब में भी अच्छी खासी मात्रा में विटामिन B12 मौजूद होता है। लेकिन दोस्तों, अगर किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंस यानी कि डेयरी प्रोडक्ट से एलर्जी है, जैसे कि दूध, दही नहीं पचता या उनसे एलर्जी है, तो वो हरी सब्जियों से B12 की कमी अपने शरीर में पूरी कर सकते हैं, जैसे कि पालक, चुकंदर, आलू, मशरूम, इन सब सब्जियों में विटामिन B12 अच्छी खासी मात्रा में होता है। इसके अलावा आप कॉर्नफ्लेक्स ले सकते हैं, आप सीरियल्स ले सकते हैं, आप ओट्स ले सकते हैं, इसमें भी B12 अच्छी खासी मात्रा में मौजूद है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपने समझा कि अगर हमारे बाल झड़ रहे हैं या हमारे बाल दोबारा नहीं उग रहे हैं तो हमें समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमारे शरीर में विटामिन B12 अच्छी मात्रा में नहीं पहुंच पा रहा है या हम विटामिन B12 की कमी का सामना कर रहे हैं। तो दोस्तों, बेहतर होगा डॉक्टर के पास जाएं, उनसे सलाह मशवरा करें और अपने शरीर में विटामिन B12 की पूर्ति नेचुरल तरीके से करें, ना कि सप्लीमेंट और इंजेक्शन के थ्रू। लेकिन अगर आप ज़्यादा विटामिन B12 की कमी से जूझ रहे हैं यानी कि गंभीर समस्या है, तो आप डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही सप्लीमेंट और इंजेक्शन लें। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही।